हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 15 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, उप विषय दिशा की समझ। आज हमें दिशा के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सूरज किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। तो सूरज जिस दिशा में उगता है वो दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। और उसके पीछे जहां आप पीठ करके खड़े होंगे वो कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो देखते हैं जरा, उपरोक्त चित्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर सूर्य की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाइए और नोट कीजिए। आप कल जाएंगे सुबह सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे, सुबह सुबह जब आप खड़े होंगे तो वो दिशा जहाँ पर आपका मुंह होगा, आपका मुंह होगा वो दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर है। और आपकी पीठ जो ये दिशा है, ये देखो ये पूर्व हो गया, तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। आपका दायां हाथ, आपका दायां हाथ कहाँ होगा, दक्षिण दिशा की ओर। और आपका दायां और आपका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा, उत्तर दिशा की ओर। ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, आपका मुख कहाँ, सामने कहाँ होगा, पूर्व दिशा की ओर। आपकी पीठ कहाँ पे होगी, पश्चिम दिशा की ओर। आपका दायां हाथ कहां होगा, दक्षिण दिशा की ओर। और आपका बायां हाथ कहां पर होगा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ये आपका जब सुबह सुबह, धूप में ज़्यादा मत जाइएगा, जब सुबह सुबह जाके एक बार ही नोट कीजिएगा। अब देखिए, इसके अतिरिक्त भी दिशाएं होती है। चित्र संख्या 2 को देखिए। देखो अब क्या, जो हमें मेन जो दिशाएं थी वो तो हमें पता चल गई, लेकिन इसके अलावा भी दिशाएं होती है। जैसे कि देखो, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। अब अगर कोई चीज़ क्या होती है, पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच में आती है तो उसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। अगर कोई चीज़ें उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है तो उसे उत्तर पश्चिम कहा जाता है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण के बीच होती है तो दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में अगर कोई चीज़ है तो उसे दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। देखो मान लो, अगर आपने यहाँ पे कोई सामान रखा है तो आप कह दोगे कि पूर्व दिशा में रखा है। यहाँ पे कोई सामान रख दिया तो आप कह दोगे कि दक्षिण दिशा में रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कोई सामान रखते हैं तो हम उन दोनों के बीच का नाम लेते हैं, मतलब दक्षिण और पूर्व कहेंगे उसे। इसका मतलब कि ना तो वो पूरी तरह दक्षिण में है, ना ही वो पूर्व में है, उन दोनों के बीच में है। दिशा जानने के पश्चात आप अपने घर के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए और किस जगह में है उसका आंसर देना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अपने घर के अकॉर्डिंग दूंगी, आप अपने घर के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जैसे कि जगह का नाम, संख्या और दिशा। पहला है खाना बनाने का स्थान। अगर मैं पूर्व दिशा की तरफ जाती हूँ तो मेरे जो घर में किचन है, जो खाना बनाने का स्थान है, वो कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो आप अगर ओट कुछ दिशा है तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, नहाने का स्थान कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। नहाने का स्थान कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। आप अपने घर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, और घर का मुख्य दरवाजा कहाँ पर है, पूर्व दिशा में। ये मेरे घर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पूर्व दिशा में। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। आप अपने घर में पूर्व दिशा में खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि आपका घर किचन कहाँ पे है, आपकी जो नहाने का स्थान कहाँ पे, और घर का मुख्य दरवाज़ा कहाँ पे है, आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। बहुत ही ईजी वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।